माइक्रोसॉफ्ट का नाम तो हर कोई जानता है क्योंकि टेक्नोलॉजी और माइक्रोसॉफ्ट साथ साथ ही चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक फेमस सॉफ्टवेयर कंपनी है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के लिए जानी जाती है। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, पर्सनल कंप्यूटर्स और इससे रिलेटेड सर्विसेज को डेवलप करने, मैन्युफैक्चर और लाइसेंस करने के अलावा सपोर्ट और सेल भी करती है। इस कंपनी का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है और जिन बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब करने का सपना आप देख सकते हैं उन्हीं कंपनीज में से एक है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर माइक्रोसॉफ्ट का एक लार्ज रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है जो हैदराबाद में सेटअप किया गया है और इंडिया की बेंगलुरु, नोएडा और हैदराबाद लोकेशंस पर माइक्रोसॉफ्ट के इंडियन एम्प्लॉइज इसके तीन टेक्नोलॉजी ग्रुप्स यानी माइक्रोसॉफ्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रिसर्च ग्रुप, क्लाउड एंड एंटरप्राइज ग्रुप और एक्सपीरियंस एंड डिवाइस ग्रुप के अंडर वर्क करते हैं। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपको माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करने का चांस मिल जाए तो आपको इसका प्रोसेस भी समझना होगा और इसीलिए आज क्विक सपोर्ट के इस वीडियो में हम आपके लिए इसी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लेकर आए हैं कि आप माइक्रोसॉफ्ट में कैसे ले सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और माइक्रोसॉफ्ट में जॉब पाने की तैयारी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट में जॉब पाने का प्रोसेस क्या है। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में जॉब पाना यूं तो बिल्कुल भी आसान दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर आप वाकई में स्किल्स और वर्क के लिए पैशन है तो आपके चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऐसे ही एम्प्लॉइज को हायर करना चाहता है जो सीखने के स्ट्रॉन्ग डिजायर रखते हैं और पैशनेट होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन डिपार्टमेंट्स में मिलती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एसोसिएट SW इंजीनियर, प्रोडक्ट टेस्टिंग, क्वालिटी एनालिस्ट, प्रोजेक्ट ट्रेनी इंजीनियर, प्रोडक्शन सपोर्ट एसोसिएट, सॉफ्टवेयर एनालिस्ट, जूनियर डेवलपर, प्रोग्राम मैनेजर, डेटा प्लेटफॉर्म इंजीनियर, आर्किटेक्ट। माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल्स को तो जॉब ऑफर करता ही है, साथ ही स्टूडेंट्स एंड ग्रेजुएट्स के लिए भी माइक्रोसॉफ्ट में जॉब पाने के लिए बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। माइक्रोसॉफ्ट में एंट्री लेवल पोजीशन की जॉब के लिए कॉलेज डिग्री कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस में बैचलर डिग्री हो तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। फ्रेशर के तौर पर अप्लाई करने का प्रोसेस। माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करने के लिए आपके पास डिग्री से पहले स्किल्स का होना जरूरी है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी स्किल्स को प्रेफरेंस देती है, यानी अगर आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स की नॉलेज है और आप माइक्रोसॉफ्ट के जॉब क्राइटेरिया पर खरे उतरते हैं तो आप माइक्रोसॉफ्ट में जॉब पा सकते हैं। कैंडिडेट्स के पास इनकी नॉलेज एंड स्किल्स होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट C++, C#, जावा, JavaScript, SQL, Python, Algorithms। अगर इन स्किल्स को कैटेगराइज करके देखें तो डिफरेंट जॉब पोजीशन के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड स्किल्स ये होने चाहिए। डिजाइनर की पोजीशन के लिए यूजर इंटरफेस डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, वेब डिजाइन, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, आर्ट डायरेक्शन। इंजीनियर की पोजीशन के लिए C++, C#, जावा, सॉफ्ट डेवलपमेंट, पाइथन, JavaScript, अजाइल मेथोडोलॉजीज, SQL। प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट के लिए ये स्किल्स जरूरी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, लीडरशिप, कस्टम स्ट्रेटजी, क्लाउड कंप्यूटिंग, प्रोडक्ट मार्केटिंग, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर। डेटा साइंटिस्ट के तौर पर अप्लाई करने के लिए रिक्वायर्ड स्किल्स हैं डेटा एनालिसिस, SQL, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मशीन लर्निंग, डेटा माइनिंग, बिजनेस एनालिसिस, पाइथन। ये स्किल्स माइक्रोसॉफ्ट में जॉब के लिए तो जरूरी है, साथ ही एप्पल और गूगल जैसी टेक कंपनीज के लिए भी जरूरी है। साथ ही गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, टेक्निकल सब्जेक्ट्स पर गुड कमांड, किसी भी लोकेशन और शिफ्ट में वर्क करने का रेडी होने का पैशन, कस्टमर सर्विस और एक्सीलेंट इंटरपर्सनल स्किल्स का होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि अगर आप स्किल्स और डिग्री दोनों रखते हैं तो आपको मिलने वाली जॉब पॉसिबिलिटीज काफी बढ़ जाएंगी। इसीलिए स्किल्स के साथ साथ आपके पास होने वाली कौन सी डिग्री आपकी हेल्प करेगी ये भी तो पता होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। एंट्री लेवल इंजीनियर की पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास BTech, CSE, CSE विद बायो इन्फॉर्मेटिक्स IT डिग्री होनी चाहिए। क्लास 10th और 12th में मिनिमम 70% मार्क्स होने चाहिए। जो डिग्री कोर्स आपने किया है
उसमें कम से कम 6 CGPA क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट्स जो पोस्ट ग्रेजुएट हों, उनके अंडर ग्रेजुएट डिग्री में मिनिमम 70% होने जरूरी है। माइक्रोसॉफ्ट हायरिंग प्रोसेस के लिए अप्लाई करते टाइम कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट हर साल न्यू कैंडिडेट्स के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंडक्ट करता है, जिसमें 3 राउंड होते हैं। पहला रिटन एंड ऑनलाइन टेस्ट, दूसरा टेक्निकल इंटरव्यूज, तीसरा HR इंटरव्यू। और माइक्रोसॉफ्ट का रिक्रूटमेंट प्रोसेस 2 तरह से होता है, ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव्स, ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। माइक्रोसॉफ्ट ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट में 5 राउंड्स होते हैं, ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट, रिटन राउंड, 3 टेक्निकल राउंड्स और इंटरव्यूज में HR इंटरव्यू भी इंक्लूड होता है। ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट में माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट और लिंक्डइन पर अप्लाई किया जा सकता है या किसी रेफरेंस के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आपको टेक्निकल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा या फिर फोन कॉल के जरिए इंटरव्यू लिया जाएगा। अप्लाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा और उसके साथ रेज्यूमे अटैच करना होगा। इस प्रोसेस में जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो है 10th और SSC मार्कशीट, 12th और डिप्लोमा मार्कशीट, सेमेस्टर वाइज मार्कशीट इन ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, फोटो ID प्रूफ, पैन कार्ड और पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस और कॉलेज ID, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, करिकुलम वीटा और रेज्यूमे। इस प्रोसेस की मदद से आप माइक्रोसॉफ्ट में फ्रेशर के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में फ्रेशर के तौर पर और इंटर्न के तौर पर अप्लाई करने का प्रोसेस बताया गया है और क्विक सपोर्ट ये उम्मीद करता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी साबित होगा। तो आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल क्विक सपोर्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।